जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश में एक महत्वपूर्ण क्लास टाइप ऑफ नाउन का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास UPPSS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, ये तो सबको पता होता है कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे जहां से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को, है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। तो देखिए, प्रॉपर नाउन की बात करें तो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है। यूनिक का मतलब जिसके जैसा और कोई ना हो, है ना। अब प्रॉपर नाउन में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आर्टिकल कहने का तात्पर्य मुख्य रूप से ए और एन, है ना। इसमें जीरो आर्टिकल होता है, जीरो यहाँ पे मैं नंबर में लिख दे रहा हूँ, जीरो आर्टिकल, है ना। इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये हमेशा अपर केस में होता है। अपर केस का मतलब इसका जो पहला लेटर होता है ये हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। ये यूनिक होता है, इसमें जीरो आर्टिकल मतलब इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। ये तीन चीजें। अब कॉमन नाउन की बात करेंगे ना, तो ये कॉमन होता है। कॉमन का मतलब सामान्य नाम की बात की जाती है ना, यहाँ पर कॉमन चीजें आती हैं, ठीक। इसमें आर्टिकल होता है, ए और एन का भी यूज कर सकते हैं, द का भी यूज कर सकते हैं, ये होता है। और इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो ये हमेशा लोअर केस में होता है, मतलब पहला लेटर जो है हमेशा छोटा लिखा जाएगा। हाँ, अगर कभी भी ये वाक्य की शुरुआत में होगा तो आप इसे बड़ा लिख सकते हैं, ठीक। तो तीन स्पेशल चीजें हैं जिसका आपने मतलब आपने समझ लिया। अब देखिए, प्रॉपर नाउन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, मैंने लिखा राम, है ना। अब राम की जब बात करेंगे, जैसे ही राम नाम लिया जाता है ना, राम नाम के कई लोग हो सकते हैं, लेकिन जब राम का नाम लिया जाता है तुरंत आपको भगवान राम की याद आती है। तो भगवान राम यूनिक है, यूनिक मतलब अद्वितीय है। और वैसे भी किसी भी राम की बात कीजिए, कोई भी राम शब्द लिखा जाए, है ना, राम नाम लिखा जाए, तो सब यूनिक होंगे। जैसे मान के चले कि यहाँ पे क्लास चल रहे हैं ना, इस क्लास में ऐसे 3-4 बच्चे हैं, यहाँ पे मान लीजिए विकास नाम के 3 लोग हैं, है ना, ये तीनों विकास है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगी, है ना। जैसे अब क्या तीनों एकदम एक दूसरे के सेम जैसे होंगे, मतलब एकदम कॉपी तो नहीं होंगे। इस विकास की कुछ अलग यूनिक प्रॉपर्टी होगी, इस विकास की कुछ अलग होगी, इस विकास की कुछ अलग होगी। जब भी प्रॉपर नाउन बोला जाएगा ना, तो ये हमेशा यूनिक हो जाएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। इसमें पर्संस के नाम हो गए, जैसे राम, श्याम, मोहन, किसी जगह का नाम हो गया, जैसे आपने बोला दिल्ली, है ना। अब दिल्ली जो है ये यूनिक है ना, दिल्ली के जैसा और कोई मतलब कोई वो नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपने लिखा पटना, है ना, तो पटना क्या है, पटना यूनिक है। अब पटना के जैसा और कुछ नहीं है ना। इसमें जैसे मान के चलिए आप किस कुछ स्पेशल बता रहे, जैसे आपने बोला रेड पेन, है ना, आपने वहाँ पे चीज़ों को यूनिक कर दिया, है ना, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। अब कभी भी किसी सेंटेंस में प्रॉपर आप आसानी से पहचान लेंगे, जैसे भी, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, है ना, किसी जगह का नाम हो गया, किसी देश का नाम हो गया, जैसे आपने बोला इंडिया, है ना। देखिए, इंडिया यूनिक है। अब भारत में इंडिया जैसा और मतलब पूरे विश्व में इंडिया जैसा कुछ नहीं है, है ना। अब मान लीजिए आप किसी जगह का नाम इंडिया रख दीजिए, क्या उसकी लोकेशन सेम होगी? लोकेशन अलग अलग होगी, वहाँ के रहने वाले लोग अलग अलग होंगे, वहाँ का ज्योग्राफी अलग होगा, है ना, ये चीज़, है ना। अब जैसे मान के चलिए आपने बोला गंगा, है ना, गंगा एक रिवर है, ठीक है, गंगा एक रिवर है, लेकिन गंगा जैसे और कोई रिवर नहीं है, है ना। आप गंगा नाम रख देंगे तो क्या उसकी लेंथ सेम हो जाएगी, उसके किनारे बसे शहर सेम हो जाएंगे? नहीं। ये सब तो ये यूनिक है, कोई भी नाम लिया जाएगा ये यूनिक है। अब कॉमन में कॉमन नाम, जैसे देखिए कॉमन नाम मतलब जो आपने यहाँ पे राम नाम बताया तो ये किसी का कोई रिलेटिव हो सकता है। जैसे आपने बोला ब्रदर, है ना, ये राम किसी का भाई हो सकता है ना। आपने लिखा फादर, राम किसी का पिता हो सकता है ना। जैसे ये विकास वाली ये कंडीशन उठा लीजिए, ये किसी का मतलब फ्रेंड हो सकता है ना। तो ये सब कॉमन चीज है, मतलब इसमें आप एक बार ब्रदर बोलेंगे तो जितने भाई हैं सब आ गया। अगर जैसे आपने देखिए दिल्ली बोला, दिल्ली एक कैपिटल है, आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल, है ना।
दिल्ली कैपिटल है ना, दिल्ली के अलावा बहुत से ऐसे मतलब शहर हैं जो कैपिटल है ना, जैसे आपने लखनऊ बोला ये भी कैपिटल है ना, आप और भी बोल सकते हैं, आप पटना बोल लीजिए ये भी कैपिटल है, तो ये कैपिटल इसमें आ गया। मतलब यहाँ पे एक प्रॉपर क्या बताया जा रहा है, एक जैसे मान लीजिए आपने बोला स्टेट है ना, स्टेट मतलब राज्य, ये भी भाई मतलब कई राज्य हो सकते हैं, तो ये सब कॉमन नाउन है। जैसे आप देखिए गंगा लिखा आपने, आपने रिवर लिख दीजिए है ना, रिवर कहते हैं सब नदी आ गया, ये कॉमन हो गया। जैसे आपने बोला डॉग है ना, अब डॉग यूनिक नहीं है, अब डॉग का नाम बताइए, जैसे आपने बता दिया कि ये डॉग ये है ना, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। आपने खाली डॉग बोला, आपने बोला कैट है ना, जैसे कैट कहेंगे तो आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर चलेगा कॉमन सा, तो ये कॉमन नाउन होता है। तो चीज़ें आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आ चुका है ना। देखिए प्रॉपर नाउन हमेशा यूनिक होता है और कॉमन नाउन यूनिक नहीं होता है, यूनिक मतलब इसके जैसे कई है। जैसे आपने बोला टीचर है ना, जैसे आपने टीचर बोला तो टीचर कहते हैं आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर चलेगा जो पढ़ा रहे है ना, लेकिन आप टीचर का नाम बता दीजिए। जैसे आपने बोला मतलब कोई भी टीचर एक्स वाई जेड कोई भी है, तो वहाँ पे वो यूनिक हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये स्पेशल क्या हो गया, जैसे स्पेसिफिक देखिए नेम ऑफ पीपल हो गया, मतलब रिलेशंस के नाम हो गया, ऐसा समझिएगा किसी जगह का नाम हो गया। जगह मतलब ये कहने का मतलब जैसे कैपिटल हो गया, स्टेट हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, ये सब चीज़ें है ना। किसी लोकेशन जैसे मान लीजिए माउंटेन हो गया, रिवर हो गया है ना, इसके बाद डैम हो गया, ये सब चीज़ें है ना, तो ये सब चीज़ें हमेशा क्या होंगी, कॉमन नाउन होंगी, और प्रॉपर नाउन में स्पेशल उसका नाम बताया जाएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे इन सब के साथ जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, इंडिया हो गया है ना, गंगा हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, इनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए आप बोल सकते हैं है ना, अ कैपिटल है ना, अ स्टेट है ना, अ रिवर, ये सब आप बोल सकते हैं। तो ये इतना पॉइंट याद रखना, यूनिक है ना, ये कॉमन है, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें आर्टिकल लगेगा, और ये अपर केस में हमेशा रहेगा चाहे जहाँ है, और ये लोअर केस में होगा। अपर केस होने की कंडीशन सिर्फ ये है कि हमेशा क्या होगा, वाक्य के सबसे पहले आएगा। दूसरे स्लाइड पर आते हैं, अब बात यहाँ पे किया जा रहा है कलेक्टिव नाउन की है ना। देखो कलेक्टिव नाउन में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि ये ग्रुप का नाम होता है ना, ग्रुप है ना, जो ग्रुप होता है मतलब अभी अच्छा ग्रुप बनेगा किसका, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ग्रुप बनेगा किसका है ना। तो सीधा सा याद रखना है कि जो कॉमन नाउन है ना इसी का ग्रुप बनेगा, जो कॉमन नाउन है इसी का जब ग्रुप बनेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से बता रहा हूँ ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा एनिमल है ना, एनिमल मतलब जानवर है ना, एनिमल है। अब एनिमल का जो ग्रुप होता है इसको गैंग कहते हैं ना, गैंग। अब ये जो गैंग वर्ड लिखा है ना, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखिए जज है ना, जज, जज की बात करेंगे, जज क्या है, जज एक कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन है और ये कलेक्टिव नाउन है। सी ओ डबल एल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सी ओ एम लिख दे रहा हूँ है ना, ये कॉमन नाउन जज। जज का जो ग्रुप होता है इसे ज्यूरी कहते हैं ना, ज्यूरी। ज्यूरी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए गर्ल है ना, गर्ल, गर्ल का जो ग्रुप होता है इसे बेबी कहते हैं, बेबी है ना, ये होता है। ये देखिए ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट क्या है, कॉमन नाउन है ना, स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो ग्रुप हो जाएगा इसे कहते हैं क्लास है ना, ये देखिए कलेक्टिव नाउन है। इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए मेंबर है ना, मेंबर, मेंबर का जो ग्रुप बनेगा इसे फैमिली कहेंगे है ना, ये आपको याद रखना है, ये फैमिली हो जाएगा। तो आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए स्टेयर्स है ना, स्टेयर्स का जो ग्रुप होता है, स्टेयर्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लाइट है ना, फ्लाइट, फ्लाइट मतलब जो सीढ़ियों का समूह होता है। तो यहाँ से आप देखिए आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि देखिए जब भी कॉमन नाउन का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप का जो नाम होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे गैंग है ना, गैंग कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बेबी कलेक्टिव नाउन है, क्लास कलेक्टिव नाउन है ना, फैमिली कलेक्टिव नाउन है, फ्लाइट कलेक्टिव नाउन है। इसके अतिरिक्त आप जैसे टीम बोल सकते हैं, जो प्लेयर होता है ना, प्लेयर है ना, प्लेयर से क्या बनता है, प्लेयर से बनता है टीम है ना, ये टीम बनता है। आप आर्मी को रख सकते हैं, सोल्जर्स की आर्मी होती, तो जो कॉमन नाउन रहेगा, कॉमन नाउन का जब ग्रुप बनेगा उसी को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो कई अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पता है कैसे आता है कि ग्रुप अलग कर देगा, ग्रुप अलग कर देगा। जैसे मान के चलिए ऐसे प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं, तो ऐसे वो लिखेगा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है ना, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ना लिख करके आप सीधा सीधा टीम लिखेंगे। तो कैसे प्रश्न आते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, अभी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगले स्लाइड पर आते हैं, यहाँ पे अब देखिए मटेरियल नाउन की बात किया जा रहा है। तो मैटेरियल नाउन बड़ा सामान्य सा डेटा है ना, मतलब सॉरी दोस्तों, मैटेरियल नाउन मुख्य रूप से मैटर की बात करता है, मैटर मतलब किसी पदार्थ की बात करता है, करता है जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जा सके। जैसे गोल्ड है ना, गोल्ड से आप मतलब अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं, कॉइन बना सकते हैं। जैसे सिल्वर, सिल्वर के साथ भी यही कंडीशन है ना? सिल्वर के बाद आपने लिखा मिल्क है ना, मिल्क से भी आप अलग अलग पदार्थ मतलब वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा वुड, वुड मतलब लकड़ी है ना, ये सब मटेरियल नाउन है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, चेयर है ना, अब चेयर की बात करेंगे तो चेयर मटेरियल नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, चेयर एक प्रोडक्ट है, कॉमन नाउन है ना। चेयर से आप क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे। गोल्ड से बना सकते हैं, सिल्वर से बना सकते हैं, मिल्क से बना सकते हैं, वुड से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्टोन,
स्टोन मैटेरियल नाउन है ना, किसी मैटर का नाम है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऐसे मान लीजिए आपको, आपने लिखा ब्रेड है ना, ये एक मैटेरियल नाउन है, मतलब जिससे कुछ अलग आप चीज़ बना सकते हो, मैटेरियल नाउन है। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर है अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा नाउन जिसमें सिर्फ फीलिंग हो, है ना, फीलिंग है ना, इसको अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, आपने लिखा लव है ना, लव को आप देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते। जैसे आपने बोला ऑनेस्टी है ना, ऑनेस्टी को देख और छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं ना। जैसे आपने देखो यहाँ पे ऐसे समझिएगा ना, जैसे आपने ऐसे लिखा नॉलेज है ना, नॉलेज, क्या नॉलेज को देखा और छुआ जा सकता है? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ऐसे बहुत से नाउन है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आएगी। जैसे पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को देखा और छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहे हैं, कोई भी ऐसा शब्द है ना जो अफिक्सेस की सहायता से बना होगा, अफिक्स मतलब प्रफिक्स या सफिक्स, दोनों में से कुछ भी लगा होगा, वो हमेशा अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे देखिए फ्रेंडशिप है ना, यहाँ पे देखिए फ्रेंड में सिप जोड़ा गया, ये सफिक्स यहाँ पे जोड़ा गया, ये हमेशा क्या होगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ब्लाइंडनेस है ना, ब्लाइंडनेस, ये हमेशा कौन सा नाउन होगा? ये हमेशा अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे मान के चलिए आप और भी कुछ चीज़ लिख सकते हैं, जैसे एडल्टहुड है ना, एडल्टहुड, एडल्ट में हुड वर्ड जोड़ा गया है ना, तो एडल्टहुड क्या हो जाएगा? ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। बस इतना याद रखना है कि जिसको छुआ और देखा नहीं जा सकता, वो अबस्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आएगा। तो देखिए, आपने पांचों नाउन के टाइप को डन कर लिया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अबस्ट्रैक्ट है ना। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये नाउन की कैटेगरी है, नाउन को दो कैटेगरी में रखा गया, एक काउंटेबल एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट किया जा सके है ना, जिसे काउंट किया जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे काउंट ना किया जा सके। अब इसे काउंट नहीं किया जा सकते, अब कैसे पहचानना है? देखो कुछ नहीं करना है, आपने पीछे जो पांच टाइप पढ़े हैं ना वही यहाँ पे आएगा। देखिए काउंटेबल में सिर्फ आता है कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन काउंटेबल है ना, कॉमन नाउन ये काउंटेबल है ना। और इसके बाद देखिए प्रॉपर नाउन, ये अनकाउंटेबल है ना। प्रॉपर के बाद मटेरियल नाउन है ना, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। और इसके बाद जो अबस्ट्रैक्ट नाउन है ना, अबस्ट्रैक्ट नाउन भी अनकाउंटेबल है। अब आप कहेंगे एक अभी छूट रहे है ना, एक छूट रहे, वो जो अपने कलेक्टिव नाउन की बात है, तो वो दोनों कैटेगरी में आता है। कैसे आता है उसकी चर्चा आगे करेंगे। देखिए जो काउंटेबल नाउन है ना, इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसका प्लूरल किया जा सकता है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है, लेकिन इसका प्लूरल नहीं किया जा सकता। जैसे आप प्लूरल करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे अब बड़ा सामान्य सा डेटा आप ये भी याद रखिएगा, कोई भी ऐसा नाउन जिसका प्लूरल बनाया जा सकता है वो काउंटेबल की श्रेणी में जाएगा, और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा। तो अब ये कैटेगरी निकालना बड़ा ही आसान हो गया, क्योंकि आप कॉमन नाउन ये सब पकड़ सकते हैं। आप किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे प्रॉपर कौन है, कॉमन कौन है, कलेक्टिव कौन है, आप आराम से पकड़ लेंगे, तो क्लियर कर लेंगे काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ब्रेड है ना, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे ब्रेड ये एक मटेरियल का नाम है, ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। स्टोन अनकाउंटेबल हो जाएगा है ना। जैसे ब्रिक्स ये अनकाउंटेबल हो जाएगा है ना। अब इसके बाद देखिए अबस्ट्रैक्ट की बात करेंगे, जैसे नॉलेज है ना, ये अनकाउंटेबल है। जैसे मनी, मनी अनकाउंटेबल है। कुछ दोस्त कहेंगे हम तो पैसे को गिन सकते हैं। देखिए आप पैसे को नहीं गिनते, आप वहाँ पे या तो क्वाइन गिनते हैं या तो नोट गिनते हैं है ना, पैसा नहीं गिना जाता है। प्रॉपर नाउन की बात करें, जैसे आपने लिखा राहुल है ना। अब देखिए ये राहुल ना जब प्रॉपर के जैसे यूज होगा तब अनकाउंटेबल होगा, लेकिन अगर इसे कॉमन के जैसे यूज करेंगे तो काउंटेबल हो जाएगा। अब काउंटेबल में जैसे मैंने लिखा टेबल है ना, ये काउंटेबल हो जाएगा। जैसे चेयर, ये काउंटेबल हो जाएगा। बुक, ये काउंटेबल हो जाएगा। तो अभी विस्तार से जब हम लोग और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ये छोटी सी क्लास रही, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कम्प्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर है ना, ज्ञान सर जैसे ही आप लिखेंगे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।